तो हम इसको सेलेक्ट करना सीख रहे हैं और हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं पॉलीगोनल लेसो टूल। तो पॉलीगोनल लेसो टूल हमें यहाँ मिलेगा और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसको किस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से लेके जा रहा हूँ इस तरीके से आगे, फिर यहाँ से ले रहा हूँ कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आगे की तरफ, और फिर यहाँ से इसको ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ लेने के बाद इसको क्लिक करके ऐसे ऊपर जा रहा हूँ और इसी से जाके इसको दोबारा से मिला देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ से निकाल कर लेकर आना है किसी और जगह पर, कंट्रोल सी कर लिया यहाँ से और कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ले ली हमने, और यहाँ क्लिक करके 100 रेजोल्यूशन में हमने इसकी इसको पेस्ट कर दिया। अब लाजमी बात है कि इसको यहाँ से अनलॉक किया हमने और इसके बैकग्राउंड के कलर को विजिबल करने के लिए इस पर क्लिक करके मैंने एक कोई अलग से कलर लिया जो इससे थोड़ा कंट्रास्ट में होता हो। तो यहाँ से मैंने क्लिक करके इस तरह का ब्लू कलर दिया और उस पर अप्लाई कर दिया, तो इसके जो एजेस थे वो जाहिर हो गए। अब एजेस को रिमूव करने के लिए यहाँ से क्लिक किया, मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके इस पर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया, डिलीट का बटन दबाया तो ये देखें एजेस रिमूव हो गए। काफ़ी हद तक इसके मजीद जो एजेस रह गए मैजिक वॉन्ड टूल से यहाँ पे क्लिक करके हम उन एजेस को भी डिलीट का बटन दबा के यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें काफ़ी क्लीन हो गया, ये टच पे इसका सेट हो गया और यहाँ पे क्लिक करके हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से क्लिक करके हमने यहाँ मैजिक वॉन्ड टूल से डिलीट कर दिया और फिर नीचे आके यहाँ पर भी इसी तरह से मैजिक वॉन्ड टूल से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो मैजिक वॉन्ड टूल इसको सेलेक्ट कर रहा है और इस हिस्से को डिलीट करने के लिए क्लिक किया, डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर डिलीट करने के लिए यहाँ क्लिक किया और उसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ से डिलीशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसमें से कुछ हिस्से को तो ले लूँ, कुछ हिस्से को निकाल दूँ। तो यहाँ पर देखिए कि हमें क्या करना होगा, हमें करना यह है कि ये टूल लेना है पॉलीगोनल लेसर टूल। अब पॉलीगोनल लेसर टूल लेके हमें यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्शन को बनाना है, ऐसे सीधा ले गए हम लाइन को, ठीक है ये देखिए बिल्कुल सीधी रखी हमने और यहाँ क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ से ऐसे लाए, ऐसे क्लिक किया और यहाँ से ले जाके इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया इसके साथ, ठीक है। इस तरह से इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये डिलीट का बटन दबाएंगे, यहाँ से भी रिमूव हो गया और यहाँ पर भी क्लिक करके जो हल्के हल्के एजेस हैं आप इनको रिमूव करने के लिए भी अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो ये मैजिक वॉन्ड टूल इसको भी इसमें हेल्प करेगा आपको डिलीट करने में और ये इनको रिमूव कर देगा इस तरीके से। ठीक है कंट्रोल डी करेंगे, डी सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर होगा ये कि जब आप इस तरह डिलीट करेंगे तो इसके एजेस जो हैं वो थोड़े थोड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन जूम आउट होने पे तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो फर्क इसमें आ ही जाएगा क्योंकि थोड़े थोड़े से वो इसके पिक्सल भी ले गया। तो यहाँ पर आप ऐसा करते थे अगर आप जूम इन कर ही रहे थे तो मैं इसको कंट्रोल अल्ट, अच्छा एक दफा अंडू तो हो जाता है यहाँ से कंट्रोल जेड से, अब एक से ज्यादा अंडू आपने करना है तो स्टेप बैकवर्ड है अल्टर कंट्रोल जेड, तो अल्टर कंट्रोल जेड यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो सारे एजेस देखे इसने मुझे रिटर्न कर दिए जो मैंने रिमूव किए थे, सही है। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना था कि जब इनको रिमूव करना था और यहाँ पे बचाना भी था तो ये भी देखिए यहाँ पे आ रहा था, तो इसके लिए भी हम यही टूल यूज कर लेते ज्यादा बेहतर रहता, पॉलीगोनल लेसर टूल। तो यहाँ पर लेके क्लिक करते हैं यहाँ से इस एज से और इस एज को लेके जाते हैं हम इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे की तरफ और ये देखिए जितने इसके एजेस आ रहे थे सारे एजेस इसमें हम ले लेते, ये देखिए इसका एंड आ गया। तो यहाँ पर आप इसको रख लेते इस तरह से, ठीक है क्लिक करते और फिर इसको दोबारा से ले जाते, ज़्यादा लंबा सिलेक्ट हो गया था इस वजह से इसने एरर क्रिएट कर दिया। चलें इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा हम डिटेल्ड में काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से एक ले लेते हैं डॉट, ये वाला डॉट ले लिया हमने यहाँ पे, ये वो डॉट लेने के लिए भी हमें इसको पूरा ही जूम करना पड़ेगा और ये जूम इन होने के बाद जूम आउट हो नहीं पा रहा, एक मिनट इसलिए छोटी स्क्रीन के लैपटॉप्स जो होते हैं ना वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रीफरेबल नहीं होते हैं क्योंकि फिर वो
ये इशू आता है उनके साथ कि फिर बहुत ज़्यादा स्क्रीन को तो वेट करना पड़ता है। सेलेक्ट हो गया, यहाँ डिलीट कर दें इसको यहाँ से। तो ये देखें इसके एजेस बिल्कुल क्लीन हो गए, सही है। तो इस तरह से आपको फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यही मैजिक वांड टूल की टेक्निक को यूज करें, क्लिक करें, डिलीट करें, इस तरह एक एक करके आप डिलीट करते चले जाएंगे तो ये इसकी जो एजेस हैं वो इसमें से रिमूव हो जाएंगे और ये फिर ऐसे क्लीन हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखें ये दूसरा टूल था जिसको आप यूज करके इस तरह का सेलेक्ट करके कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ी क्लीनिंग के साथ लेके आ सकते हैं। अब आते हैं इसके आगे वाला जो दूसरा टूल है हमारे पास, जिसका नाम है लेसो टूल। ये कैसे काम करेगा,